दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। और स्क्रू का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो होती है, लेकिन ये बिजनेस सालों साल चलता रहता है। और अगर डिमांड की बात करें तो हर हार्डवेयर शॉप में आपको अलग अलग तरह और साइज की स्क्रू आपको बिकती हुई देखने को मिल जाएगी। और दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जहां डेवलपमेंट होगा वहां स्क्रू की जरूरत पड़ेगी ही। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए कौन कौन से मशीन और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, और आप कैसे स्क्रू को तैयार कर मार्केट में बेच सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। स्क्रू एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर जगह किया जाता है, चाहे फर्नीचर का काम हो या कोई घर बनाना, हर जगह स्क्रू का उपयोग किया जाता है। स्क्रू बाजार में बहुत ज्यादा बिकती है और इसका उपयोग देश के हर कोने में किया जाता है। साथ ही साथ जल्दी खराब ना होने की वजह से इस बिजनेस में नुकसान की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह, जैसे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी और छोटी गाड़ियों तैयार करने में, किसी कंपनी या ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, मशीन या मशीनरी पार्ट्स को बनाने में, फर्नीचर और सोफा इंडस्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में, रेलवे, शिपिंग, एयरलाइंस और ऐसी ही हजारों इंडस्ट्री के द्वारा स्क्रू का यूज किया जाता है उनके तैयार प्रोडक्ट को जोड़ने में। वैसे दोस्तों जो स्क्रू के बारे में जानते हैं उन्हें पता ही है कि स्क्रू कितने टाइप की होती है और इनकी क्या डिमांड है मार्केट में। और आपको अगर स्क्रू के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने पास के हार्डवेयर शॉप में जाकर पता कर सकते हैं, और वहां आपको अलग अलग टाइप के स्क्रू देखने को मिल जाएंगे, जैसे फ्लैट हेड स्क्रू, बटन हेड स्क्रू, पेन हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू, ट्रस हेड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू इत्यादि। और अगर साइज की बात करें तो ये आपको अलग अलग साइज में बिकते नजर आएंगे, जैसे हाफ इंच, एक इंच, दो इंच, तीन इंच इत्यादि। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप अपनी मशीनों के द्वारा अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप के स्क्रू अलग अलग साइज में बना ऑर्डर के हिसाब से बेच सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें स्क्रू बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की, तो स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको ज्यादातर स्टेनलेस स्टील वायर की जरूरत पड़ेगी, जो रोल में आते हैं और अलग अलग गेज यानी डायमीटर में तैयार की जाते हैं बड़ी बड़ी वायर कंपनियों के द्वारा। और आपको अलग अलग साइज के स्क्रू बनाने के लिए अलग अलग साइज के वायर का स्टॉक अपने पास रखना होगा, जैसे 10 गेज, 20 गेज इत्यादि। आप चाहें तो कोटेड वायर का भी यूज कर सकते हैं अपने स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, जैसे जिंक कोटेड वायर, क्रोमियम कोटेड वायर, निकल कोटेड वायर इत्यादि। आप स्टेनलेस स्टील वायर के अलावा कार्बन स्टील, मेटल, ब्रास, निकेल और अल्मोनियम वायर का भी यूज कर सकते हैं अपने स्क्रू के प्रोडक्शन के लिए, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपको अलग अलग टाइप के वायर का स्टॉक अपने पास रखना होगा, ताकि आप ऑर्डर मिलने पे अलग अलग तरह के स्क्रू को तैयार कर अपने कस्टमर को सप्लाई कर सके। दोस्तों स्टील वायर के अलावा आपको पैकिंग मटेरियल, लुब्रिकेंट, ग्रीस, केमिकल की जरूरत पड़ेगी अपने स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। दोस्तों अगर बात करें स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोसेस में की जाती है। पहली हेडिंग, जिसमें स्क्रू के हेड को तैयार किया जाता है वायर को कट करके, और उसके बाद थ्रेड रोलिंग, जिसमें वायर के निचले सिरे में कट का शेप दिया जाता है, और उसके बाद क्लीनिंग और वॉशिंग, जहां अलग अलग केमिकल के जरिए तैयार स्क्रू को साफ किया जाता है ताकि उसकी शाइनिंग बने रहे और वो जंग रहित रहे। वहीं दोस्तों अगर बात करें स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले मशीन की, स्क्रू को तैयार करने के लिए मेनली 2 मेन मशीन की जरूरत होती है, जिसे स्क्रू हेडर मशीन और थ्रेड रोलिंग मशीन कहते हैं। और इसके अलावा आपको अपने प्लांट के मेंटेनेंस के लिए लेथ मशीन, ग्राइंडर और टूल किट की जरूरत पड़ेगी, जिसके जरिए आप अपने मशीन के अलग अलग पार्ट्स, डाई, मोल्ड इत्यादि को अपनी जरूरत के हिसाब से फैब्रिकेट कर सके। दोस्तों स्क्रू हेडर मशीन के जरिए स्क्रू के हेड को तैयार किया जाता है। मशीन के सामने वायर के रोल को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो घूम सके, और वायर का एक सिरा हेडर मशीन में फिक्स किया जाता है, और उसके बाद मशीन वायर को उसके रिक्वायर्ड साइज में कट कर देती है, और हेडर मशीन में डाई लगती है, और डाई की मदद से ही स्क्रू के हेड को शेप दिया जाता है। और आपको जिस टाइप का स्क्रू का हेड तैयार करना हो, उस शेप की डाई मशीन में लगानी होती है। हेडर मशीन 1 पंच या 2 पंच के बाद ओपन या क्लोज डाई की मदद से वायर को जरूरी साइज में कट कर स्क्रू के हेड को शेप दे देती है। हेडर मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है, और मशीन के द्वारा स्क्रू का प्रोडक्शन होता रहता है। हेडर मशीन के द्वारा 100 से 550 हेड 1 मिनट में तैयार किए जा सकते हैं, जो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और ये 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ऑपरेट की जाती है। मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के हेडर मशीन मिल जाएंगे, जिन्हें
आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। दोस्तों हेडर मशीन के जरिए स्क्रू हेड को तैयार करने के बाद निकाले गए स्क्रू को थ्रेड रोलिंग मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जहां हॉपर वाइब्रेट करता रहता है और इसकी मदद से स्क्रू को अरेंजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ लाया जाता है और फिर स्क्रू के हेड को डाई की मदद से कट का शेप दिया जाता है और साथ ही साथ दो डाई के बीच स्क्रू को रोल कर फाइनल स्क्रू तैयार किया जाता है। थ्रेड रोलिंग मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है और हॉपर में स्क्रू को फिट करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है और फाइनल स्क्रू को तैयार कर देती है। थ्रेड रोलिंग मशीन भी थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ऑपरेट की जाती है और मार्केट में आपको अलग अलग टाइप के थ्रेड रोलिंग मशीन मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। दोस्तों थ्रेड रोलिंग मशीन से निकाले गए स्क्रू को क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए भेज दिया जाता है ताकि उनकी शाइनिंग और क्वालिटी अच्छी हो जाए और तैयार स्क्रू को अलग अलग केमिकल की मदद से साफ किया जाता है और उसके बाद तैयार स्क्रू को अलग अलग पैकिंग बॉक्स में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे 100 पीस पर बॉक्स, 500 पीस पर बॉक्स इत्यादि। दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की तो छोटे लेवल पे आप इस बिजनेस की शुरुआत 20 से 25 लाख के अंदर कर सकते हैं और साथ ही साथ इस बिजनेस के जरिए 10-15% का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें जिससे कि सरकार द्वारा दी जा रही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे, जैसे सब्सिडी, लोन, इंश्योरेंस इत्यादि। और अगर बात करें इस बिजनेस की रजिस्ट्रेशन की तो सबसे पहले उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये सुविधा ऑनलाइन है और फ्री में कोई भी अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके साथ ही साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साथ ही साथ फायर और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से भी UNSO की जरूरत पड़ती है और ये रजिस्ट्रेशन आप किसी CA की मदद से करवा सकते हैं। दोस्तों स्क्रू बिजनेस को शुरू करने से पहले सारी जानकारी जरूर पता कर ले ताकि लॉस के चांसेस ना के बराबर हो और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत आती हो या कुछ पूछना तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले।